वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं आप सबके लिए पैरामेडिकल स्टूडेंट या नर्सिंग स्टूडेंट या ओटी स्टूडेंट के लिए लेकर के आई हूं फिर से एक नया टॉपिक। आज मैं आपको फिर से एक नई सर्जरी के बारे में बताऊंगी, देन उसमें सर्जरी में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन सी पोजिशन दी जाती है, देन कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगी कॉलस स्टेक्टॉमी सर्जरी के बारे में कि कॉलस स्टेक्टॉमी सर्जरी क्या कहलाती है, इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, देन पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दी जाती है, देन कौन से पार्ट की सर्जरी की जाती है, कौन से ऑर्गन की सर्जरी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं सर्जरी आपका एब्डोमिनल कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी का मीनिंग है गॉल ब्लैडर सर्जरी। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि गॉल ब्लैडर सर्जरी क्या कहलाती है। तो जो गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है उसे ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट आप सबको मालूम ही होगा कि हमारी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर होता है एब्डोमिन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, या लिवर, जो लिवर होता है आप देख पा रहे होंगे लिवर के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, और लिवर में जो भी बाइल जूस का निर्माण होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी क्यों की जाती है या कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी क्यों की जाती है। तो स्टूडेंट गॉल ब्लैडर में जब कभी भी स्टोन हो जाता है, या आपने देखा गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन हो जाता है, या आपका गॉल ब्लैडर में एम्फाइमा हो जाता है, या इनका आपकी गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है, स्टोन हो जाता है, किसी भी कारण से, इन सब कारण से जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट जब डॉक्टर को ट्रीट कराता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का जब गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का एडवाइस दिया जाता है या पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कराया जाता है उसी सर्जरी को हम कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी कहते हैं या गॉल ब्लैडर की सर्जरी कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ओपन गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है देन ओपन सर्जरी। तो मैं आपको बताऊंगी ओपन कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी क्या कहलाती है देन कैसे की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने जाना कि कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी क्यों की जाती है। जब गॉल ब्लैडर में किसी भी टाइप का स्वेलिंग हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, स्टोन हो जाना, किसी भी कारण से जब पेशेंट को गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो उस कंडीशन में पेशेंट की गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आता है सर्जरी के लिए तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो स्टूडेंट मैं पोजीशन की बात करूं तो इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सुपाइन पोजीशन में लिटा करके पेशेंट की सर्जरी की जाती है। बात करते हैं एनेस्थीसिया की, तो स्टूडेंट इसमें ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बात हो गई कि इसमें क्या है कि कैसे पेशेंट की सर्जरी की जाती है देन कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बट गॉल ब्लैडर की ज्यादातर सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया देकर के पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। ये तो हो गया आपका पोजीशन एंड एनेस्थीसिया। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की कि आखिर कॉलेस्टेक्टॉमी सर्जरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज किया जाता है, लैप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट उनका यूज किया जाता है, देन कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं स्पंज होल्डर की। ये जो स्पंज होल्डर होता है ये जनरल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको टू रखना होता है। नेक्स्ट होता है टॉवल क्लिप। तो स्टूडेंट जो टॉवल होती है ये आपको 8 रखना होता है। ठीक है, अब टॉवल क्लिप का यूज किस लिए किया जाता है, जब भी पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंट कर दिया जाता है, पेंट करने के बाद जब ड्रेपिंग की जाती है तो ड्रेपिंग के टाइम पर स्मॉल टॉवल, बिग टॉवल, मैकिंटॉश से जो आपका ऑपरेटिव एरिया होता है उस एरिया को चारों ओर से कवर किया जाता है, देन उन टॉवल्स को या ड्रेप्स को फिक्स करने के लिए इन्हीं टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट नाइफ हैंडल। तो नाइफ हैंडल स्टूडेंट आपको 2 रखना होता है, एक 3 नंबर एक 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका ब्लेड नंबर। तो ब्लेड नंबर 11-15, देन आपका 20-21-22 किसी भी नंबर की ब्लेड ले सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 3 नंबर का जो ब्लेड हैंडल होता है, नाइफ हैंडल होता है, उसमें 11 या 15 नंबर की ब्लेड लगाई जाती है, और जो 4 नंबर का होता है उसमें 20-25 तक की ब्लेड्स उसमें हम फिक्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो नाइफ हैंडल विथ ब्लेड होता है इसका यूज पेशेंट के एब्डोमेन में इंसीजन देने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका कर्व डिसेक्टिंग सीजर। तो सीजर बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, तो ये भी आपको 2 रखना होता है, एक मीडियम साइज में एक बिग साइज में।
इसका यूज सूचर्स कट करने के लिए या टिश्यू के किसी लेयर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है कर्व डिसेक्टिंग सीजर। तो कर्व डिसेक्टिंग सीजर में टू रखनी होती है आपको, बिग साइज एंड मीडियम साइज में। साथ ही स्टूडेंट टू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, तो टू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स भी आपको टू रखना है, देन नॉन टू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स भी आपको टू रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का यूज भी किस लिए किया जाता है, तो सूचरिंग के टाइम पे किया जाता है, ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। देन नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का भी यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज भी ब्लीडर्स को होल्ड कर कॉगुलेशन के लिए भी इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये भी आपको एक बिग साइज में मीडियम साइज में टू टू रखने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है बैक ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स, तो बैक ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स आपको फोर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसका यूज टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर लेनिस टिश्यू फोर्सेप्स, ये भी आपको टू रखना होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए आर्टरी फोर्सेप्स भी आपको सिक्स रखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। आर्टरी फोर्सेप्स का यूज किसी भी ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए, टिश्यूज को या सूचर्स की नॉट को होल्ड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कर्व आर्टरी फोर्सेप्स स्टूडेंट, तो कर्व आर्टरी फोर्सेप्स भी आपको सिक्स रखना होता है मीडियम एंड बिग साइज में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स भी आपको सिक्स रखना होता है। बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इनका यूज ऑल सर्जरीज में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कल्चर कर्व फोर्सेप्स, तो कर्व फोर्सेप्स है स्टूडेंट, वो आपको फोर रखना होता है। देन स्ट्रेट फोर्सेप्स भी आपको फोर रखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका लेंथ एंड ब्रेथ रिट्रैक्टर, तो बहुत कॉमन है लेंथ एंड ब्रेथ रिट्रैक्टर या प्रॉन्ग रिट्रैक्टर, ये भी आपको टू रखना होता है। इंसीजन देने के बाद स्किन के बाद वाली इंटरनल लेयर को रिट्रैक्ट करने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। देन आप एक्स्ट्रा में स्टूडेंट डीवोस डी प्रोटेक्टर टू रख सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट प्रोटेक्टर भी आप टू रखना होता है, क्योंकि आपका जो गॉल ब्लैडर होता है वो भी एक एब्डोमिनल सर्जरी है, और एब्डोमिनल सर्जरी में डीवोस डी प्रोटेक्टर जॉइंट प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका जो स्पेशल होता है वो होता है गॉल स्टोन होल्डिंग फोर्सेप्स। बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए, तो इसको तो आप गॉल ब्लैडर सर्जरी में जरूर इसका यूज होता है, तो ये भी आपको वन रखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका साइनस फोर्सेप्स, इसे भी वन रखना होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट निडल होल्डर। निडल होल्डर होता है स्टूडेंट, इसका यूज तो आपको मालूम ही होगा कि निडल को होल्ड करके पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट की सूचरिंग करने के लिए निडल होल्डर का यूज करना होता है। तो ये आप टू रख सकते हैं, एक बिग साइज एक मीडियम साइज का। नेक्स्ट आता है सूचर्स, तो सूचर्स की बात करें तो स्टूडेंट अपर लेयर की सूचरिंग करने के लिए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, देन इंटरनल लेयर की सूचरिंग के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज किया जाता है। तो मतलब इसमें एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल दोनों सूचर्स का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यदि अदर आइटम की बात करें, एक्स्ट्रा आइटम की बात करें, तो उसमें पैड रखना होता है, स्पंज रखना होता है, बाउल किडनी ट्रेज रखने होते हैं, डॉक्टर्स गाउन रखने होते हैं, टेक्नीशियंस गाउन रखने होते हैं, सारे ड्रेप्स रखने होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये एक्स्ट्रा आइटम होते हैं। इसके अलावा सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, एनेस्थीशिया मशीन से ही पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया कि आगे किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ट्रॉली कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो स्टूडेंट इन सारे इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले मॉइस्ट स्टरलाइजेशन द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन करने के बाद सबसे पहले जो भी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है, जिस ट्रॉली को प्रिपेयर करना है उसे डिसइंफेक्टेंट करना होता है, उसके बाद टेक्नीशियन स्क्रबिंग करता है, गाउनिंग करता है, ग्लोविंग करता है, देन इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर जब भी की जाती है तो सबसे पहले जो आपका ट्रॉली होती है उसमें एक पॉली ड्रेप डाला जाता है, मैकिंटॉश डाला जाता है, देन सारे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉली को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में एक्स्ट्रा आइटम रखा जाता है, जैसे गाउन, किडनी ट्रे, बाउल्स, पैड, स्पंज, ये जितने भी एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा रिट्रैक्टर इन्हें अपर पार्ट में रखा जाता है। लोअर पार्ट में स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट जब ट्रॉली हम प्रिपेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होना है, जैसे स्पंज होल्डर, टॉवल क्लिप, एलिस आर्टरी, नाइफ हैंडल, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज होना है उस टाइप से इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। जैसे 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 सर्जरी का प्रोसीजर होता है उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, और सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंट करके रखा जाता है, देन सूचरिंग करने से पहले उन्हें रीकाउंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको बताया कि कॉलेसिस्टेक्टॉमी सर्जरी क्या कहलाती है, इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, कौन सा एनेस्थीशिया दिया जाता है, देन कैसे पेशेंट को पोजीशन दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको कॉलेसिस्टेक्टॉमी सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास यही था, थैंक यू।